सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच अब जहां तक पहुंची है वहां नशा ही नशा है, धुआं ही धुआं है। एनसीबी को पता चला है कि मुंबई से करीब 115 किलोमीटर दूर पावना में सुशांत का फार्म हाउस था। वहां अक्सर सुशांत पार्टी करने आते थे। सुशांत के फार्म हाउस के करीब एक आइलैंड पर होती थी ड्रग्स वाली पार्टी। आपती गवंडे नाम का ये आइलैंड पावना डैम के बिल्कुल करीब ही है। अभिनेत्री सारा अली खान सुशांत के साथ ड्रग पार्टी में शामिल होती थी। श्रद्धा कपूर भी सुशांत के साथ एक बार इस आइलैंड पर आई थी। रिया चक्रवर्ती भी इस आइलैंड पर सुशांत के साथ जाती थी। आपती गवंडे आइलैंड पर सुशांत और ये अभिनेत्रियां घंटों साथ बिताते थे। ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर पहुंची जहां पर सुशांत अक्सर अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के साथ जाते थे। इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई। तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी। पावना डैम के बोटमैन को हायर करके सुशांत इन अभिनेत्रियों के साथ डैम पर भी जाते थे। पावना डैम के बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने भी एनसीबी को अपना बयान भेजा है, जिसमें उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। बयान में बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने कहा है, सारा अली खान 3-4 बार सुशांत के साथ बोट से पावना डैम आ चुकी है। एक बार श्रद्धा कपूर भी सुशांत के साथ आपती गवंडे आइलैंड पहुंची थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी टीम भी पावना डैम घूमने आती थी। पावना डैम के आपती गवंडे टापू पर ये सभी पार्टी करते थे। सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ घंटों टापू पर बैठे रहते थे। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश तावंत, सैमोल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती, जैद बिलातरा भी ड्रग पार्टी में शामिल होते थे। बोटमैन की माने तो इन पार्टियों में शराब और गांजे का जमकर इस्तेमाल होता था। आज तक ने सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस का भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उसने भी यही खुलासा किया था कि फार्म हाउस पर सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान आती थी। महीने में कितने चक्कर लगाते हैं? मुंबई से हफ्ते में तो आ रहा, हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था उसके पास? सारा अली खान भी आती थी और बाकी तो ये रिया आती थी। कितनी बार आई होंगी तो पूरा टीम को आता है। पावना डैम के बोटमैन के सनसनीखेज बयान से सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी अब सुशांत सिंह के ड्रग एंगल चक्कर में फंस गई हैं। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खम्बाठा से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। उनके बयान के बाद बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में और कितने नाम सामने आएंगे, इसका बस इंतजार कीजिए। अरविंद दोझा, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।